देखे हो? देखा मंत्री या के दौरी भरे के सहू नहीं ना दौरी नहीं दछा हुआ हाँ? हमें दमरी कहा जात की वही दमरी भरे गए ऐसा सहड़ा हद लपेट के धरे रहे को जाने के हमारा बीड़ा है कि कीड़ा बीछी आए धरे हैं अंडमंड रख के चल चले गए चाटू बात हमका तुमका सुन साहब आए कैसा अब साहब आए कितने इज्जत और मान सम्मान के साथ बीड़े को रख जो कोई आएगा देखेगा कि हाँ पान का बीड़ा रखा हुआ है औका अब एक अंधरों मनाई आई तो देखी पान का बीड़ा है एक बात और है कहो बात मंत्री आए हुए तकाए के चले गए हाँ ये साहब आए यही तकाए के चले गए हाँ का मुर्दा हद ताका जाए अगर केवो आवाज धोखे में खाए के चला गया तो हमारा तुम्हारा मौत है हाँ हाँ दोस्त एक बात है हाँ एका तो ताकत हम अकेले वही ताक ले भैया हाँ लेकिन यार हमारे पास एक बीमारी है का बीमारी है हाँ यार कौन बीमारी आए बीमारी हमारे यह है हाँ? कि हम खड़े रहे तो खड़े खड़े सो जाए थे यार आए? बैठ रहे तो बैठे बैठे सो जाए यानी जैसे रही तो हम वैसे सो जाए थे यार, यार बड़ी खतरनाक बीमारी है हाँ और सोए गए तो क्यों आवा खाए के चला गया तो मौत हमार तुम्हार है यार वही बीमारियाँ हमारे पकड़े हैं का तुम्हारे बीमारी है का हाँ यार हमारे तो एक बीमारी हमारे लिए तीन बीमारी का तीन बीमारी हाँ कौन कौन बीमारी है तो खड़े खड़े सोए जाते तो खड़े खड़े सोए जाते हाँ। और हम जो सोए जाए तो हमका कोई देखात नहीं यार तनको नहीं देखात कहूँ ना रिश्तेदार ना नातेदार ना हेते ना व्यवहारी ना हमा मेहररुए देखाए मेहररुओ नहीं देखा नहीं देखा बिल्कुल यार अच्छा यह बीमारी खत्म हाँ एक बीमारी यार दूसरी यह है हाँ। कि हम खा ले तो हमें भूखे नहीं लागत यार तनको नहीं लागत बिल्कुल नहीं लागत फिर अच्छा और तीसरा बीमारी यह है हाँ। जो हम चली तो हमारे पैर आगे पीछे होती है जब चले लागा तो पैर आगे पीछे हो पीछे हो थे हमें तो एक ही बीमारी तोरे तीन बीमारी तीनों खतरनाक बीमारी हाँ यार ऐसा करो हाँ कि बिहान चल के दिल्ली में इनका करवा लियो तीनों करवा लो इलाज यार कैसे नहीं बोलता ऐसा तो बोलता है यार ऐसा करो भैया हाँ कि न तुम्हारे बीमारी पकड़े न हमारे हाँ कुछ गौनाई बजनाई हो कुछ बकत रहो यार ताकि बीड़े की रखवाली हो सके और हाँ बकत रही बहनी महतारी करिए बकत बहनी महतारी नहीं हाँ। अरे यार गौनई बजनई कुछ जानत शायरी भी रहा वगैरह सारी सराहज सारी सराहज नहीं तो होता हुआ हाँ। अरे शायरी भी रहा यार भी रहा हाँ गौनई वगैरह ले आओ फिर धरो एक बंदूक खंदूक बाहर हाँ सुंघा भैया कुछ ले आओ सुंघाओ ले फिर एक लहरा हाँ सुना दोस्त तय के तो हमारे डाओ तय के हम तोरे डाई यहू बीमारी खराब अब तय के हम इनके डाई तो तय के हमारे डाई है हाँ ले अच्छा ले रुक जाने हट हाँ भाई हम छुआए रह के तो धेके चाप दी है तो तुमका पहले बताओ कहीं छुआ रहा हम का मौका पावल याद है अबे घुग्गे चिटक गए रहा है का घुग्गे चिटक गए रहे घुग्गे नहीं वो तो ठेलिया स्टेशन मिला ले स्टेशन मिला कौन स्टेशन मिला है हाँ ये हलावाबाद है हट हाँ हलावाबाद नहीं बीज भारती नहीं विविध भारती आ लियो नंबर पर सुई कर नंबर पर सुई खड़ी है सुई खड़ी है हाँ कौन नंबर पर है हाँ? नंबर पर एकदम बराबर सुई खड़ी है यार नंबर पर तो खड़ी है एकदम हाँ आए खूंटी धई के आईटती है यार नंबर के बाहर सुई होएगा तुम्हार खूंटीन भखुरी है यार तो का करी हम हमारा आलू लूम खराब है यार आलू लूम नहीं भाटा लूम अरे वाई लूम बोला जात है हाँ नंबर का कर थी यार नहीं तो फिर अंड बंड हो जात है अच्छा। मिला है अब की सुई खड़ी रहा है बिल्कुल नंबर पे एकदम सुई खड़ी है छोड़ दे तेरे पे छोड़ हाँ पकड़े हैं ले फिर हाँ एक लहरा हाँ अरखेवा बलदेव के भैया नैया सागर मा पड़ी तो खेवा बलदेव के भैया नैया सागर मा पड़ी खेवा ओ नैया सागर मा पड़ी कि नैया सागर मा पड़ी खेवा बलदेव के भैया नैया सागर मा पड़ी खेवा बल
नैया सागर मा पड़ी, नैया सागर मा पड़ी, केऊ बलदेव के भैया नैया सागर मा पड़ी, केऊ कहाँ गढ़ का गीध है जामिल तारे तारे सदन कसैया, सदन कसैया। हाँ फिर आगे गढ़ का गीध है जामिल तारे तारे सदन कसैया, अरे जल डूबत गज राज बचायो यशदा गोद खेलैया, नक पर गिरवर के रखैया नैया सागर मा पड़ी, केवा बलदेव के भैया नैया सागर मा पड़ी, केवा नैया सागर मा पड़ी, नैया सागर मा पड़ी, केऊ बलदेव के भैया नैया सागर मा पड़ी, केऊ बलदेव। हे भैया भैया कहा सदना से मरी मीरा तारो रट के नाम तुम्हारो तुम्हारो। हाँ और आगे सदना से मरी मीरा तारो रट के नाम तुम्हारो तुम्हारो, जब कही कष्ट परा भक्तन पर नंगे पाँव सिधारो, सुन के धायो ताज सवारी नैया सागर मा पड़ी, केवा बलदेव के भैया नैया सागर मा पड़ी, केवा बलदेव के भैया ओ नैया सागर मा पड़ी कि नैया सागर मा पड़ी, तो केवा बलदेव के भैया नैया सागर मा पड़ी, केऊ बलदेव। सब बात छोड़ वारे जवानो, ऐसा भी रहा मारे यार कि हमारे गले में एकदम गलियारा बना गया यार। तुम्हार बिरहा बहुत सही है, कहाँ सीखो यार? एका सीखा थोड़ा पड़ा था, फरुहा लेके चले जाओ जंगल से खोद ले आओ। काहे के सुलाए कहा यार? यार तुम्हार स्वभाव बहुत बढ़िया है यार, बहुत बिरहा, यही बिरहा के तान तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। बस करो यार, ज्यादा तारीफ न करो भाई। अरे यार बहुत बहुत दूर तक हम बिरहा सुनने गए। अच्छा और क्या, यहाँ से दिल्ली गंगा कैसेट वालों के यहाँ भी सुनने गए। हाँ। लेकिन आपके बिरहा ऐसा हमने बिरहा सुना ही नहीं यार। अच्छा सब बात छोड़ो भाई। हाँ? पहले बताओ कहाँ चलाए हो तुम? तुम्हारे घर में चला हुआ। हमें घर में कहाँ चलाए? अरे यार ये पूछो कि कहाँ चले आओ तुम, तो कहाँ तो कहाँ चला। वही बात कहा, वही यार पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हो। अरे यार यही रास्ता से चक्रोट पकड़े चले जाते हैं। हाँ? और तुम्हार बिरहा के तान हमें करेज में एकदम साले लाग, करेज भरता कैसे? तुम्हार बिरहा के सुन के यहाँ हम भागे चले आए। अच्छा यार ये बताओ। हाँ? जैसे तुमका अपने कहीं बुलाई तो चले हो बिरहा गाँव? अपने कहीं? हाँ 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 चलब कहे न। बस करो यार, ज्यादा तारीफ न करो, ऐसे बोले हो तो चलब तो है। चलियो। हाँ हाँ यार ठीक है, हम तुमका बुलाऊ अब की यार, कुछ हो तो फूको तापो। क्या फूको ताप है? अरे, घर अरे यार बीड़ी उड़ी हो पियाओ। बीड़ी का बात करा था यार। नसियान है यार। नसियान है, लाओ यार पियाओ। ले भैया अच्छा मांगते हो, लाओ पियाओ यार। वैसे तारीफ क्यों नहीं पिया इतना दोस्त? यार तुम्हारा स्वभाव बहुत सही है यार। ले दोस्त यार लाओ। माचिस? माचिस नहीं रखी थी यार। का है? अगर माचिस रखा तो बीड़ी पहले चुक जात। नहीं ठीक है, खाना तुम्हारे ही खा, पानी दूसरे ही पिया जाए। यार अरे यार बिना बिना आगे के यार कहाँ वो बीड़ी पी यार। मैं अंगूर मन है यार। वैसे एक बात है, हमार तुम्हार को आज दिन तक जिंदगी में तारीफ की हिस्स नहीं ना। यही तो कहे थे पिलाए दियो जो है, जहाँ जहाँ जाए तारीफ करत जाए। यही से हम पियाई दिन नहीं पियाई तो ना लगाओ जो हम लोगन का पिया नसियान है। हम सब पी यार नसियान लगाओ। अरे यार लगावे का वो बीड़ी एक ठू लगाई। हाँ? और खसक ली थी यार। हे लिया यार, बड़ा गजब हो गया यार। कहाँ गया यार? यहाँ यार। एक तो इनका बीड़ी पिया, सोचा कि बंडल दे दे हम होंगे लगा पिया या अकेले लगा। चल लोग इंतजार करें कि बीड़ी लगा। कहे का बे, बे कौनो इज्जत ही नहीं ना। हम लोग प्यार से कहे कहा दे इनका बीड़ी माची दीना की लगा के हम हो पियो, लगाओ एक बीड़ी और चल दे हो। अबे कब के बीड़ी कब के तुम अब पार्टी हम सूंघाओ। ठीक है आए। अरे यार भैया हम कल आ गए लंठे का यार उल्टा बदला। लंठ नहीं है, यह है धोरमोटपुर। धोरमोट है कि ऐसा है भाई,
अरे यार तुमका बीड़ी लगाए हो का दीना हम जब कब पिए हो तुम अकेले कब पी के चले जा रहे हमका समय नहीं चला यार लौटिया ने तो हवा गोली मार फिर अब लौटा तो हमका टाइम नहीं ना हमारे भाई तलवा में पड़ी है यार महल लौटिया तुरंत लौटिया ने भावा गोली मार बैठे चौकड़ी हाथ उल्टी जाइए चलो यार भैया यार है आए ये है लंट है हमार तुम्हारा डरो नहीं के गोली मार दे डर का यार छोड़ो यार ऐसा है बीड़ी ले जा दियो अपन काम जो ना ड्यूटी देखो तो पहले देखो कल आ गए थे दोनों यार लौंडे जो है आए हुए थे ये खाकर भगे जा रहे हैं यही लौंडे हाँ तो यार यही खाई नहीं इनका आवाज लगाओ नहीं आवाज लगाओ यार हाँ हाँ हे लौंडे लौंडिया यार ये चुपके बैठे थे कहीं थे काहे का देखो बड़ी खाए हो काहे का है बे कोनो इज्जत नहीं लौंडिया ने मार बड़ी चौकड़िया हाथ उल्ट गई अरे गोसा तुम्हारे तरह के बहुत देखे हैं मनई मनाई लौटा था कि नहीं का कर यार अब गला हाथ फटफटाइए हो बहन अरे घुसो तू है तेरा बहुत माला दी के गोली खाए के बाहर कौन गोलियां माला दी यार अब कल आगे गर्भवती है कहा यार नो ये माला दी ना है ये जौन गोलियां है ना चीरत फारत वाली आज चला जाएगी अरे बच्चा ये देखा था तुहार गोली ढंकते रह जाए मालब तुहार भेजा छितरा जाए इसका देखा था ये कई किलोमीटर जात है वही रही हो मेरे घर ते चीरत फरत अरे घुसा घुसा अरे यार चाहे जाए किलोमीटर आदेश तो है नहीं गोली चलावे का डरे हैं ना है लंट है लंट का है इनका साहब का घराव तो ठिकाई हाँ साहब का आवाज लगाओ हाँ साहब 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 बहुत गजब हो गया साहब क्या गजब हो गया अरे साहब जो शर्त का रखा हुआ बीड़ा था दो लड़के आए और बीड़े को उठाकर वो भागे जा रहे हैं क्या कहाँ जा रहे हैं साहब वो भागे जा रहे हैं बुलाओ उन दोनों को हेलो हेलो डे यार अबे खबरी ना खराब करो हमका समय नहीं ना कर तुम दोनों यहाँ आओ नहीं गोली मार दूंगा अब आदेश मिला है मारने के लिए हमार भैंस तलवा में पड़ी है तुम दोनों यहाँ आओ ये ना नहीं तुम्हें तलवा हे भैया हे भैया ये कहीं जाओ सुन ले यार भाई नहीं बलवार में नहीं है गोली मार दे है का करियो एक वाला बलवार है ये तो साले चिरकुट है यार हाँ चिरकुट और तेरी फटी चरकी ज्यादा अंड बंड बोलिए तो बोले कर लौट जा तुम दोनों यहाँ लौटे ना पाई चुपचाप चले आओ चलो यार देख ले कहे का है भैया तुम दोनों यहाँ ठीक है यार शर्त का भरा हुआ बीड़ा था उस बीड़े को किसने उठाया बीड़ा उड़ा हम नहीं जाने हम लोग आए और अपने मर्जी से नहीं आए यही जो जने हमका बोला है क्यों तो ही जो जने बोला है क्या उधर तो ही जो जने बोला नहीं हमारा हुआ छपरा उठावेगा जो बुलावा है क्यों तुम लोगों ने बुलाया नहीं साहब झूठ बोल रहा नहीं साहब ये खुद हमका जो जने बोला है साहब हम यही रास्ता से चले जाते रहे ये दू जने हमका कहीं आओ साहेब ना लाइक कहीं का हमार पोजीशन देख के हमको साहब बोला कहे यहाँ आओ हमका का बात है कहीं यार बीड़ी उड़ी हो तो पियाओ क्यों नहीं नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है नहीं साहब हमने कहा कि इतने बड़े दरबार में ड्यूटी करते हो बीड़ी मांग मांग पीते हो कहा कि इतने बड़े दरबार में ड्यूटी देते हो बीड़ी मांग मांग पीते हो कहे क्या करे ड्यूटी करते हैं तनख्वाह नहीं मिलत क्यों सब ऊपर वाले अधिकारी खाए जाते नहीं साहब ये खुद बीड़ी मांग कर पिया है अरे भाई छोड़ तुम खुदे मांग ठहरो तुम झूठ खुदे झूठ बोल रहे हो बीड़ी तुमने मांगा तुम खुदे झूठ बोल रहे हो अभी इसका फैसला होता है बीड़ी इसने मांगा है हाँ हुजूर यही मांगी नहीं दूजने को मांगा हम तुम मांगे हो बीड़ी तुम खुद मांगा है शांत रहो बीड़ी इसने मांगा है जी हाँ ठीक है बीड़ी निकालो हाँ बीड़ी तो नहीं कर पाएगा जब तियावाद बीड़ी साहब जब घर से चली न तो बंडल माची नवा लेके चली साहब निकालो बीड़ी हाँ निकाल तो है जब लेके चली थी मांगी नहीं बहुत मांगे अगर रहते नहीं ना बीड़ी लेके चली थी हाँ बीड़ी तुमका दिन का यार तुम्हें कहते बेदीना है निकालो बीड़ी
यार तुमका जलो तीर रहेगा यार हमका कहाँ दिया हम तुम तो लौटार दी ना है यार कब यार लौटार दे हो तो जेब महोद ना मिला यार देखो तुम का देखी यार अगर तुम लौटारे होते हो तो हमें ला बीड़ी रहा नहीं यार तुमका हम दे दी ना है कहाँ दी है यार है नहीं हमें जेब तो हमारे हमारे लाए तो नहीं ना का बीड़ी साहब लिए तो रहन पता नहीं का हुई और तुम निकालो हुजूर हमारे पास तो बीड़ी है ही नहीं निकालो अब साहब 3 किलो धान बेचा है तो नवा बीड़ी के बंडल लिया है ये देखो साहब धरो ये कहां से लोगों के पास ये बीड़ी नहीं थी ये कहां तुम्हारा फोटो लाग है फोटो लाग दे ये हमारी बीड़ी है तुम्हारी बीड़ी है जी तुम लोगों के पास बीड़ी नहीं थी इसलिए जरूर मांगकर भीड़ पीता होगा नालायक कहीं का अच्छा तो भैया चली जा रहा कहा यार नहीं जाओगे हेले अब कहा भा यहाँ शर्त का भरा हुआ बीड़ा था उस बीड़े को किसने उठाया बीड़ा उड़ा हम लोग नहीं जाने साफ साफ बोलो नहीं गोली मार दूंगा ये तो जबरदस्ती है हम लोग नहीं चला यार भैया ये क्या खा रहा है ये तेरा साथी क्या खा रहा है ए भैया शबर शेरू कावा यार बुखारी हसपा गुदा आए रहे हो मैं यहाँ कुछ नहीं खाया हूँ शेरू कुछ नहीं खाया मैं कुछ नहीं खाया चला यार कहो तुम बहुत दुपुर करो तुमने बोले यार कहने बोले यार तू है जल्द बवाल हो है मैं क्या जल्द बवाल है जल्द शब शब बोलो इस बीड़े को किसने उठाया हुजूर बीड़े का तो मैं नहीं जानता हूँ बल्कि यहाँ पे एक पान रखा हुआ था उस पान को उठाकर मैंने खा लिया था हुजूर पान वो पान नहीं था तेरे मौत का पैगाम था ए चार आना का पान नहीं ना मौत का पैगाम वो बाजार में बिकने वाला पान नहीं था वो शर्त का भरा हुआ बीड़ा था कीमत बोलो कितने तुम्हारे पान तुम उसकी कीमत नहीं दे पाओगे उसकी कीमत अनमोल है हे बीड़े तो मांग मांग इनके पान झुको यार हेलो और सुनो दक्षिण दिशा चलने के बाद नागलोक मिलेगा सात समंदर पार करने के बाद नागलोक मिलेगा और नागलोक का राजा नागराज होगा और नागराज की बेटी समंदर जादी की तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष तुझे पेश करना होगा और पेश कर दिया तो महाराज की रियासत का 1/2 भाग तेरा होगा और इतना ही नहीं महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला की शादी तेरे साथ रचा दी जाएगी और ना गया तो तुझे मौत की सजा होगी कैसा समंदर पार करेगा सात समंदर पार करने के बाद नागलोक मिलेगा यहाँ हम एक गलहू नहीं पार कर पाए सात चाटा के खा लियो फिर तुमने चल तुम चल चल बवाल हुआ है यार तुम यार अब तो इसे जाना ही होगा नहीं हुजूर मैंने भूल में खा लिया था हुजूर मेरी गलती को क्षमा कर दिया जाए तेरी गलती नहीं माफ होगी नहीं हुजूर तुझे अब नागलोक जाना ही होगा नहीं हुजूर मुझ में ताकत नहीं मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं सात समंदर उस पार जाऊं हुजूर मेरी गलती को क्षमा नहीं तेरी गलती कभी माफ नहीं होगी चलो यार लड़का है लड़का ही कहेगा कोनो बात इसे तुम तो बुढ़ावा हो इसे नागलोक जाना ही पड़ेगा तेरा नाम क्या है इनके नाम राजू है तुम मत बोलो तुमसे को पूछा जाओ तुमसे नहीं बताया क्या हुजूर मेरा नाम राजू है तो राजू है कहाँ का रहने वाला है कंचनपुर सरकार मैं कंचनपुर का रहने वाला हूँ कंचनपुर के रहने वाले हो और तेरा खानदान कौन सा है ये ठाकुरन क्या है हम पाशियन के तुम बीच में मत बोलो यार ज्यादा दुपुर कर रहा था हुजूर बताइए साहब बताइए क्या हुजूर मैं छत्री खानदान का हूँ छत्री खानदान के छत्री होकर मौत से डरता है तेरे खानदान में कौन कौन है एक बूढ़ी माई है तुम बीच में मत बोलो सरकार एक मेरी बूढ़ी माँ है और वो भी विधवा है और मेरी बूढ़ी माँ के सिवा अन्यथा दूसरा
मेरा कोई नहीं हुजूर, मेरी गलती को माफ कर दिया। राजू घबरा नहीं, यहां से तू अपनी मां के पास जा। तेरी मां छत्राणी है, उसने अपने कोख से तुझे जन्म दिया है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगी। और हाँ, अब तो तुझे नागलोक जाना ही पड़ेगा, और ना गया तो तुझे मौत की सजा होगी। दोनों मंजिल तेरे सामने कठिन है, अगर ना गया तो मौत की सजा होगी, और लाकर तस्वीर को हाजिर कर दिया तो तेरी उजड़ी हुई किस्मत समर जाएगी। ठीक है, हम लोग इनके अम्मा के लाए जाई है, अगर इनके अम्मा कही है तो जाम नहीं है, कसम लौटा जा। अब तो इसे जाना होगा, और ये कहीं छुप नहीं सकता। बिना पूछे पछोरे गपर गपर ली लियो, बवाल बना दी हो ना। लेकिन शेरू मुझे पता नहीं था, नहीं मैं ना खाता। पता नहीं था, अगर हुआ गए सात समंदर पार तो नागराज तुम्हें मार डालेगा, और ये बलवार मने ही है, अगर ना गए तो पानी के बूंद ना बची हो। जाओ जाई थे जो उनके हो भोगाओ। चलो जाओ। या भगवान, क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू बच्चों के साथ घूमने गया है, घूमते घूमते ना मालूम कितनी दूर निकल गया। मैं बहुत देर से भोजन बनाकर उसका इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उसे इतना समझाती हूं पर वो मेरा कहना एक भी नहीं मानता। मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बेटा राजू, माँ तू आ गया मेरे लाल। ये बता, तू घूमते घूमते कितनी दूर निकल गया था बेटा? मैं बहुत देर से भोजन बनाकर तेरा इंतजार कर रही थी, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ, तूने पान खाया है, और ये तेरे हाथ पे शमशीर। बेटा ये तूने क्या किया? आज तूने पान खाया है, कल दारू पिएगा, परसों गांजा पिएगा। अगर तू इसी तरीके का काम करेगा तो मेरा और तेरा जीवन कैसे पार होगा मेरे लाल? मैंने तुझसे क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी कि एक दिन तू सयाना होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। ये तूने क्या किया मेरे लाल? माँ, मैं पान नहीं माँ, बल्कि मेरी मौत का पैगाम। बेटा मैं कुछ समझी नहीं, ये कैसे तेरे मौत का पैगाम है? बोल मेरे लाल, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, और भोले भाई
बेटा राजू, माँ तू किसकी तस्वीर की बात कर रहा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये तू क्या कह रहा मेरे लाल। माँ माँ, मैं बच्चों के साथ खेलते खेलते राज दरबार उठ गया माँ, और राज दरबार में सर का रखा हुआ बीड़ा था माँ। महाराज ने ऐलान करवाया था कि जो कोई इस बीड़े को उठाएगा वो सात समंदर उस पर जाएगा। काश समूर चांदी की तस्वीर न ला सका तो उसे सजाए मौत होगी माँ, मौत होगी। लेकिन मैं कैसे जा पाऊंगा माँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। बेटा ये तूने क्या किया मेरे लाल? अगर तू जाता है तो भी बेमौत मारा जाएगा, अगर नहीं जाता तो भी बेमौत मारा जाएगा मेरे लाल। लेकिन मैं कैसे जा पाऊंगा माँ? लेकिन बेटा तू घबरा नहीं, तू एक छत्राणी का लाल है, मैं तुझे तरकीब बताती हूँ। जाओ बेटा जाओ बेटा इसी वक्त दरबार को का बीड़ा रखा है, वैसे तू भी जा और शर्त रख। माता जी प्रणाम। खुश हो बेटा, कहो मेरे लाल कौन हो, कैसे आए हो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? माता जी मैं कंचनपुर के महाराज के दरबार का सेनापति शंभु सिंह हूं। ठीक है बेटा, क्या कहा तुम महाराज के दरबार के सेनापति शंभू सिंह? आपके बेटे ने कुछ बताया? हाँ बेटा, मेरे बेटे ने सब कुछ बताया है। तो फिर अपने बेटे को मेरे साथ भेजो। मेरा बेटा जाएगा, लेकिन जाने के पहले मेरे बेटे की कुछ शर्तें। शर्त? क्या शर्त है बोलो। बेटा मेरे बेटे की यही शर्त है कि मेरे बेटे के लिए एक शाही पोशाक चाहिए, और सफर के लिए एक घोड़ा चाहिए, और खर्च के लिए 50,000 रुपए चाहिए, तब मेरा बेटा जाएगा। माता जी ये तो बहुत छोटी बात है, आप अपने बेटे को मेरे साथ भेजो। आपके बेटे को एक शाही पोशाक नहीं, दरबार से 2 शाही पोशाक दिलवाऊंगा, और सबर खर्च के लिए 50,000 रुपए नहीं बल्कि 1,00,000 रुपए दिलाऊंगा। ठीक है बेटा। और इस बच्चे को वो घोड़ा दिलवाऊंगा जिस पे हमारे महाराज कंचन नरेश विराजमान होते हैं, हर नागर नाम का घोड़ा जो हवा के सरीके
आसमान में उड़ता है। अपने बच्चे को मेरे साथ भेजो। मैंने ही क्या कर दिया जाओ राजू, तो छत्री होकर मौत से डरता है। डरो नहीं, हिम्मत से काम लो। और चलो राजू चलो, चलो राजू चलो, मुतलक नहीं अपार करो। चलो राजू चलो, मुतलक नहीं अपार करो। नहीं बेजार करो, बहावो नीर नहीं, दिल नहीं बेजार करो। बाद कुछ राज के मुश्किल सभी चल जाएगी, और अभी तो गम है, अभी तो गम है, खुशियों का इंतजार करो। राजू घबराओ नहीं, और दरबार चलो, दरबार में सब कुछ दिलाऊंगा। हाँ, दरबार में बहकी बहकी बातें करूंगा, ताकि किसी को यह शक न हो कि सेनापत शंभु सिंह राजू से मिल चुका है। क्योंकि दरबार का मैं सेनापत हूँ, वहां कुछ बोल नहीं पाऊंगा। माताजी, अपने बेटे को राज दरबार भेजो। ठीक है बेटा। और आपके बेटे को मैं सब कुछ दिलाऊंगा। अच्छा माता जी, प्रणाम। राजू घबराओ नहीं, तुम दरबार आओ। बेटा मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं बेटा, एक छत्री होकर तू कायरता की बातें करता है। जा मेरे लाल, और अपनी किस्मत को आजमा मेरे बेटे। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा मेरे लाल। माँ, और माँ तू कितनी अच्छी है, माँ तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हे काटो का तो पुलवारी है तो है किस्मत वाले जिनके माँ खोती है। क्या खोती है जो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ खोती है। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे
बलिहारी है ओ मेरे लिए जागे तो सारी सारी तोरियां खिया मेरे लिए जागे तो सारी सारी तकिया मेरी बेटा राजू राज दरबार गया हुआ है मेरे बेटे की रक्षा करना वो जिस काम के लिए गया है अपने काम में कामयाब हो या मेरे मालिक बहुत दुख उठाए आए इस जिंदगी में बहुत जिंदगी